टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। गाजियाबाद में स्टेट डॉग के खिलाफ आधी रात हंगामा। पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में 30 मिनट में एक महिला और बच्चे को काटा। ट्रेन में गैंगरेप मर्डर का खुलासा। कटघरे में भाई बोला, हम खुलासे के बारे में नहीं बताया। पूछने पर कहा, बता देंगे, धीरे रखो। नोएडा में लड़की को तीसरी मंजिल से फेंकने वाला निकला शादीशुदा। बोला, जिसके लिए मैंने बीवी को छोड़ा वो शादी नहीं करना चाहती थी। छह करोड़ के सिंहासन पर विराजमान हुई राधा रानी। मथुरा में भक्तों ने दान किया स्वर्ण रजत सिंहासन। दिल्ली में 100 ज्वेलर्स 6 महीने में बनाया। ललितपुर में देवर का अपहरण कर फिरौती में मांगी भाभी। दो युवकों का एक ही लड़की से था प्रेम प्रसंग, शादी होने पर किया किडनैप। लखीमपुर सीएमओ का लड़खड़ाते हुए वीडियो वायरल। बोले, यहां चंदा और विज्ञापन मांगने के लिए आते हैं, गाली गलौज भी की। झांसी में युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या। निर्माणाधीन मकान में मिली लाश, पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फार्मेसी की छात्रा ने छेड़छाड़ के डर से छोड़ी पढ़ाई। मेरठ में भाजपा एमएलसी के कॉलेज की स्टूडेंट है छात्रा, पुलिस से की शिकायत। वेद मंत्रों के बीच भगवान श्री राम का राज्याभिषेक। मिर्जापुर में रामलीला संपन्न। जय श्री राम और हर हर महादेव के गूंजा पंडाल। स्टीयरिंग जाम होने से छोटा हाथी पलटा, 5 घायल। मुजफ्फरनगर की घटना। क्लियर शरीफ जा रहा था मेरठ का परिवार। रायबरेली में सड़क हादसे में युवक की मौत। तेज रफ्तार बाइक तांगे से टकराई, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। बुलंदशहर में नदी में डूबे दूसरे युवक की तलाश जारी। 3 दिन पहले एक भाई का मिला था शव। 6 दिन पहले नाव पलटने से हुआ था हादसा। सुल्तानपुर में ब्लड बैंक में स्टॉक से ज्यादा हुआ ब्लड। जौनपुर, अमेठी, बाराबंकी और अंबेडकर नगर को किया गया ट्रांसफर। शाहजहांपुर में ट्रेन से गिरकर महिला की मौत। पीछे से आई मालगाड़ी में फंसकर 20 किलोमीटर तक घसीटता गया शव, नहीं हुई शिनाख्त। आगरा में 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों ने प्लॉट में बने टॉयलेट में छिपाया। सीओ ने देर रात की छापेमारी। देवरिया में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत। पुलिस ने बिहार बॉर्डर पर ड्राइवर को पकड़ा, रुई धुनाई का करता था काम। सहारनपुर में पूर्व नगरायुक्त के पक्ष में उतरे पार्षद। सपा पार्षद महापौर से बोले, काम का विरोध करते हैं तो आप राम विरोधी हैं, आरएसएस विरोधी हैं। सिंगर फरमानी का लुटेरा भाई पहुंचा जेल। मेरठ में सरकारी टंकी से लूटी थी सरिया। यूट्यूबर के पिता जीजा समेत 7 की तलाश जारी। कानपुर देहात में रेंगता हुआ बुजुर्ग पहुंचा डीएम ऑफिस। बोला, साहब ट्राई साइकिल दिला दो। जिला प्रशासन बोला, 2020 में दे चुके हैं। हमीरपुर में वाटर प्लांट में गई जमीनों की मांग का मुआवजा। किसानों ने मुख्य सचिव से की शिकायत, दिया जल्द समाधान का आश्वासन।
कानपुर में निजी अस्पतालों में डेंगू की होगी फ्री जांच। 2 साल के बच्चे की बिगड़ी तबीयत, मरीजों को चिकनगुनिया जैसा दर्द। संभल में एसडीओ के चालक को गोली मारकर की हत्या, कोर्ट की तारीख से लौट रहा था घर। 2017 में हुई थी अतुल त्यागी की हत्या में था नामजद। पथरा में 5 साल के मासूम से अश्लील हरकत, आटा लेने गई थी, दुकानदार बहलाकर कमरे के अंदर ले गया, बच्ची ने घर आकर आपबीती सुनाई। हापुड़ में चाची भतीजी से छेड़छाड़, विरोध करने पर घर में घुसकर पीटा, तेजाब डालने की दी धमकी, 4 आरोपी पर एफआईआर। प्रयागराज पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के जन्मदिन और समारोह में लेंगे हिस्सा। बुलंदशहर में ना थाने की नाक के नीचे हो रहा है अवैध खनन, भारी मात्रा में मिट्टी का किया जा रहा भराव। कानपुर से लखनऊ जा रही 2 लड़कियां लापता, कानपुर से लखनऊ जा रही रोडवेज बस में सवार हुई थी लड़कियां। लखीमपुर खीरी में प्रशिक्षु सीओ प्रवीण यादव की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट, घटना में चालक करण सहित सीओ घायल। डेंगू से करार रहा है लखनऊ, राजधानी में डेंगू के 42 नए मामले सामने आए हैं, डेंगू संक्रमित संख्या 1100 के पार। कानपुर में रुपयों से भरा बैग लूटकर बदमाश हुए फरार, इंडियन कंपनी सेल्समैन की हुई लूट, घटना की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसों में एक की मौत, एक की हालत गंभीर, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। फिरोजाबाद में युवक के शर में गोली मारकर मौत के घाट उतारा, खेत की जमीन बनी जान की दुश्मन, दबंग युवकों ने ली है अवनीश की जान। अलीगढ़ में कारोबारी से मांगी 20,000 रुपए की रंगदारी, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। फिरोजाबाद में जेपी मसाले के मालिक ने दी संवाददाता को धमकी, जेपी मसाले का मालिक है मनोज मित्तल, फोन करके दी धमकी। अलीगढ़ में देश की आजादी के बाद सही अब तक विकास को तरस रहा है पूरा गांव, प्रतिनिधि के सहारे प्रधानी ग्राम प्रधान रहती है नोएडा। कस्ताहा सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए कवायद, युद्ध स्तर पर जारी, जिले के गड्ढा मुक्त कराने की काम तेज। अलीगढ़ में मुफ्त में छात्रों को योगा की क्लास करा रही है सामाजिक सेवा संस्था, छात्रों के विकास को लेकर दे रही है बड़ा संदेश। कुशीनगर में रास्ते के विवाद को लेकर डॉक्टर ने भाजपा नेता पर चलाई गोली, ये घटना कैमरे में हुई कैद, जांच में जुटी प्रशासन। डिप्टी सीएम बिजेश पाठक की बैठक के बाद बड़ा एक्शन, डेंगू के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए नगर निगम ने किया विशेष अभियान। प्रतापगढ़ में यातायात सड़क सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन, नाटक के माध्यम से लोगों को किया गया जागरूक। लखनऊ में डेंगू के प्रकोप को समाप्त करने के लिए जिलाधिकारी की जनपद वासियों से अपील, बोले आपके सहयोग की जरूरत है। रायबरेली में शराब के नशे में बाइक चला रहे युवक जा घुसा नाले में,
राहगीरों ने थाना क्षेत्र के सिमरी कछियार का मामला है। समर डेंगू के डिस्ट्रिक्ट मोहल्ला रोड बहजोई का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। रायबरेली में दो बाइकों की आमने सामने हुई है भिड़ंत, हादसे में 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, 3 लोगों को भेजा गया आज जिला अस्पताल। मथुरा में 7 वर्षीय मासूम के साथ दुकानदार ने किया है दुष्कर्म, परिजनों ने कार्रवाई के लिए 3 गेट चौकी का किया घेराव। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शोध धारकों से हो रहे विधायकों के साथ की बैठक, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा परिवार की चिंता सबको करनी चाहिए। बुलंदशहर में 25,000 रुपए की इनामी घोषित, बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से 1 बदमाश घायल। फिरोजाबाद में स्कूल जा रही छात्रा को डंपर ने रौंदा, छात्रा की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत, गुस्साए परिजनों ने लगाया सड़क पर जाम। गिनी में बंधक मर्चेंट नेवी के क्रू मेंबर्स की बड़ी मुश्किलें, कानपुर के रोशन अरोड़ा ने भेजा मैसेज, नाइजीरियन नेवी पहुंच चुकी है गिनी में। राजधानी लखनऊ के पोस्ट ऑफिस में कैशियर नदारा, जानकीपुरम के पोस्ट ऑफिस में रोजाना सर्वर डाउन रहता है या बहाना बनाते हैं। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग, मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। चौकी से दरोगा की पिस्टल और कारतूस चोरी, चोरों ने चौकी से चंद कदमों की दूरी पर फूंक दी वर्दी और कपड़े भरा बक्सा, चौकी इंचार्ज सस्पेंड। गोरखपुर में महिला की कुदाल से काटकर हत्या, जमीनी विवाद के नातिनों ने दादी को मार डाला, हत्या के बाद दोनों ने खुद को थाने पहुंचकर किया सरेंडर। पीलीभीत में सड़क किनारे पड़ा मिला युवक का शव, 1 दिन पहले हो गया था लापता, बाइक की किस्त जमा करने निकला था घर से। सहारनपुर में छोटे भाई की पत्नी को घायल कर खुद लगाई फांसी, महिला का आरोप, सुबह से सोते हुए जेठ ने की थी गलत हरकत। बीकॉम की छात्रा से रेप, पुजारी को उम्र कैद, मुजफ्फरनगर पॉस्को कोर्ट ने 2 दिन में सुनाई सजा, पीड़िता ने रोका सुनाई थी अपनी आपबीती। ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्ते ने किया सुरक्षाकर्मी पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, रात में कुत्ते को टहलाने निकलती थी महिला। सीतापुर में टीएसआई का सराहनीय कदम, विकलांग बुजुर्ग को गोद में उठाकर ऑटो में बिठाया, रुपए ना होने से सड़क किनारे बैठा था। आगरा में 101 मंगल कलशों के साथ निकली आमंत्रण यात्रा, पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी में राधा कृष्ण मंदिर पर श्री भागवत कथा का शुभारंभ। इटावा स्टेशन पर रिटायर्ड कर्मी ने हार्ट अटैक से मौत, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, परिजन बोले हृदय रोग के मरीज थे। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में झुलसी मासूम की मौत, अभी तक 19 लोगों की गई है इसमें जान, 2 अक्टूबर को लगी थी आग। बलिया में भारी मात्रा में देशी शराब बरामद, तालाब में छिपाकर रखी गई थी, लहन पानी के अंदर घुसकर पानी ने किया नष्ट। सिद्धार्थनगर में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, 5 लोग घायल, सभी अस्पताल में भर्ती, भारत भारी मेला देखकर लौटते समय हुआ हादसा।
प्रशिक्षण के बाद वाहन चालकों को बताया गया यातायात नियम। उन्नाव में 276 वाहनों का चालान और 16,000 क्षमा शुल्क वसूला गया। पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टरों और मृतकों के परिजनों में नोकझोंक, कहा मूंगफली खत्म होनी तब शुरू होगा पीएम। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे क्रॉसिंग किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बलिया में महिला ग्राम प्रधान की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो में महिला ग्राम प्रधान की महिलाओं ने की थी पिटाई। बिजनौर में 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा नशेड़ी, पुलिस के सामने रख दी ऐसी मांग, पूरी हुई फिर भी नहीं उतरा। अमेठी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। संयुक्त टीम ने छापेमारी में एक गिरफ्तार, एक फरार। शामली में ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं बस चालक, चंद पैसे कमाने के चक्कर में ठूस ठूस कर बसों में बैठा जा रहे हैं यात्री। बाराबंकी में कच्ची दीवार के नीचे दबे 3 मजदूर, मलबे में फंसे मजदूरों को गांव वालों ने निकाला, जिला अस्पताल रेफर किया। मुलायम की सीट से बहू डिंपल लड़ेंगी चुनाव, पूरी सीट पर उपचुनाव में होगी सपा की प्रत्याशी, 2019 में कन्नौज से हारी थी। फरुखाबाद में बिजली कर्मी ने किया आत्मदाह का प्रयास, कर्मचारी ने अफसर पर लगाया ऑफिस से भागने का आरोप। भदोही में अवैध असलहे के साथ एक गिरफ्तार, फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी में था सवार, चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा। जालौन में चोरों ने पुलिस को दी खुली चुनौती, डॉक्टर के घर को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात व नकदी की, हां साफ सीसीटीवी में 4 चोर हुए कैद। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं।